दोस्तों मैं भी टास्क बोली यूट्यूब पे लेके आ गया हूँ टेनिस से रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस पर वीडियो। दोस्तों जो इस पर वीडियो लेके आया हूँ, फॉर्मर एटीपी रैंकिंग नहीं करंट एटीपी रैंकिंग नंबर वन पे चल रहे शानदार प्रदर्शन कर ले कार्लोस अल्कराज और एटीपी रैंकिंग नंबर वन के कंटेंशन में भी चल रहे हैं। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनसे कोई जीत नहीं सकेगा भाई एटीपी रैंकिंग नंबर वन खासकर इसके बाद। और जो अदर प्लेयर्स हैं वो कंटेंशन में है, खासकर जोकोविच है ज़्यादा कंटेंशन में, स्टेफनो सीसी पास थे, डैनियल मेडवेडेव थे, मेडवेडेव बाहर हो गए, सीसी पास थे, चांसेस अब कम है, ज़्यादा है चांसेस जोकोविच के क्रॉस करने के लिए। बट कार्लोस अल्कराज अगर अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो भाई कार्लोस अल्कराज ही एटीपी रैंकिंग नंबर वन पे जाएंगे। फिलहाल दोस्तों उनका पोस्ट मैच एनालिसिस डिस्कस करने आया हूँ। उनका मैच था लोरेंजो मुसेट्टी जो फ्रेंच ओपन में ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हैं, जोकोविच को दो सेट डाउन किया था और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए माने जाते हैं वो क्ले कोर्ट में। बट सामने भी उनके थे कार्लोस अल्कराज जो भी क्ले कोर्ट के बादशाह वो भी माने जाते हैं धीरे धीरे। राफेल नदाल तो स्पेन के थे ही और स्पेन के प्लेयर तो है ही खास रहते हैं क्ले कोर्ट में। इस बार भी अच्छा प्रदर्शन किया, विद इन थ्री स्टेट सेट्स में जीता। वैसे शुरुआत लोरेंजो मुसेट्टी ने अच्छी की थी। दोस्तों एनालिसिस में बढ़ने से पहले बता दूं भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि सारे पोस्ट मैच प्री मैच ब्लॉग सारी एक्टिविटीज की रेडिंग आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर पहले सेट की शुरुआत की जाए, मुसेट्टी ने तो शुरुआत बढ़िया की ही थी जैसे बताया था। उन्होंने आते ही सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा 2-0। बट 2-0 के बाद उनकी अच्छी गेम नहीं रही। क्यों अच्छी गेम नहीं रही? कार्लोस अल्कराज ने सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, और ऐसे ही करते वो 0-2 पे थे, 5-2 पे चले गए, फिर फाइनली सर्विस गेम पे होल्ड रख पाए कार्लोस अल्कराज के खिलाफ और अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा और 6-3 से वो जीते कंफर्टेबली पहला सेट। सेकंड सेट की शुरुआत की जाए तो सेकंड सेट भी बढ़िया प्रदर्शन रहा। सेकंड सेट में अपनी सर्विस गेम पे तो होल्ड रख ही रहे थे, उन्होंने इस बार सर्विस गेम शुरू में ही ब्रेक कर ली कार्लोस अल्कराज ने, फिर अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा 2-0 किया। इस बार कार्लोस अल्कराज का अपोनेंट प्लेयर था वो टर्न एट आई रहा था जो अल्कराज ने शुरू में किया था। इस बार ब्रेक की मुसेट्टी ने सर्विस गेम 0-2 से थे 2-2 पे बराबर ले आए। उसके बाद अल्कराज ने फिर से वही पहाड़ा शुरू कर दिया जो फर्स्ट सेट में किया था, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड सर्विस गेम ब्रेक, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड सर्विस गेम ब्रेक और 6-2 से जीते सेकेंड सेट। पहला सेट 6-3 से जीते, सेकेंड सेट 6-2 से जीते। थर्ड सेट की शुरुआत भी बढ़िया रही, थर्ड सेट में इस बार कोई ब्रेक पॉइंट देने नहीं दिया। शुरू में दोनों प्लेयर्स 1-1, 2-2 रहा, इस बार कोई सर्विस गेम ब्रेक नहीं। उसके बाद कार्लोस अल्कराज ने सेम दोहराया जैसे सेकेंड सेट में आफ्टर 2-2 दोहराया था, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड सर्विस गेम ब्रेक, सर्विस गेम पे होल्ड सर्विस गेम ब्रेक और 6-2 से थर्ड सेट जीता। पहला सेट 6-3 से, सेकंड सेट 6-2 से, थर्ड सेट 6-2 से नेक्स्ट राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। नेक्स्ट राउंड में मैच होगा स्टेफनो सिसिपास या सेबास्टियन ऑफनर के खिलाफ। वैसे चांसेस बहुत ज़्यादा है उनका जो मैच होगा स्टेफनो सिसिपास के साथ होगा। दोस्तों अगर स्टैट्स की नज़र डाल दो, एसिस 6 लिए, डबल फॉल्ट 3 किए, दूसरी ओर देखा जाए 2 एसिस लिए, डबल फॉल्ट ज़्यादा किए, 4 डबल फॉल्ट किए। डबल फॉल्ट के चक्कर में ज़्यादा एज कम्पेरिजन टू कार्लोस अल्कराज ने जितना प्रदर्शन किया। ब्रेक पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे कन्वर्ट किए हैं बट कार्लोस अल्कराज ने ज़्यादा अच्छे कन्वर्ट किए हैं एज कम्पेरिजन टू अदर अपोनेंट। 5 out of 7 पांच बार ब्रेक पॉइंट सेव किए, 2 बार सेकंड में कामयाब नहीं थे, एक फर्स्ट सेट में, सेकंड सेट में, फर्स्ट सेट की शुरुआत में, सेकंड सेट में आफ्टर 1 सर्विस गेम। और दूसरी मुसेट्टी के सर्विस गेम काफ़ी बार ब्रेक हुई हैं, एक पहले सेट में उनकी 2-3 बार हुई, सेकंड सेट में हुई उनकी 2-3 बार, थर्ड सेट में 3 बार। मुसेट्टी ने 2 बार सर्विस गेम ब्रेक भी की कार्लोस अल्कराज की, ऐसे बाद में बट सर्विस गेम उनकी ज़्यादा बार ब्रेक हुई है इसलिए वो हारे हैं। पिछला मैच मुसेट्टी जीते थे तो बदला ले लिया कार्लोस अल्कराज ने, कार्लोस अल्कराज 2-1 से लीड थे। अगर चैलेंजर को छोड़ दिया जाए तो एटीपी में देखा जाए 1-1 की बराबरी है। क्या लगता है कार्लोस अल्कराज कैसा प्रदर्शन करेंगे नेक्स्ट मैच में, इसके बारे में बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।